तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करते हैं, जिसमें थर्ड में क्या दिया हुआ है। तो थर्ड में हमारे पास दिया हुआ है 27 माइनस 125 का ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आपको इसको नहीं देखना है कि ये टर्म कैसे लाना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अभी इसे हम लोग क्या करना है। तो इसे हम लोगों को क्यूब के फॉर्म में एक्सपेंड करना है। क्यूब के फॉर्म में क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है ना ए क्यूब, यानी कि किस फॉर्मूला पे जाएगा, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब के फॉर्मूला पे जाएगा। तो बस हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबर को ऐसा करना है कि ये किस के अंदर आ जाए, क्यूब के अंदर आ जाए। यानी कि इसका हम लोग सबसे पहले फैक्टराइज निकालेंगे, यानी कि इसको देखेंगे कि ये किस, हम लोग इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे कि ये किस फॉर्म में आ जाए, क्यूब के फॉर्म में, यानी कि किसी भी नंबर के क्यूब के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग इसको राइट करते हैं, जो है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि किस फॉर्मूले पे लाई हो रहा है। तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे इसमें, तो इसमें एक यूज करेंगे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे ये सॉल्व होगा। अब देखो हम लोग को क्या करना है, 27 को ऐसा लिखना है कि ये क्यूब के फॉर्म में आ जाए। तो देखो 27 को आप ब्रेक करो, तो ये कैसे ब्रेक होगा, तो इसे आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 करोगे तो 9 आएगा, 9 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, अब देखो 125 को आप कैसे लिख सकते हो, तो 125 भी सिंपल है, 5 इंटू 5 कर सकते हो, 5 क्या हो जाएगा 25, 25 इंटू 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब तो आपको लग रहा होगा कि आप तो बहुत आसानी से बता दिए मिस, अगर हम लोग को बनाना तो हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर आपको नहीं पता हो कि 27 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन में आपको बताई थी कि 27 का फैक्टराइजेशन मतलब क्या हो गया, किसको देखना है, किसके टेबल में आता है। तो सिंपल सा, 27 जो है किसके टेबल में आता है, 9 के 3 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में आता है। फिर 9 जो है वो 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। उसी टाइप से आपको सिमिलरली क्या करना है, 125 का भी करना। अगर आप 125 को करोगे तो ये किसके टेबल में आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 के टेबल में आएगा। यानी कि अगर आप इसका फैक्टराइज बनाओ तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से राइट करते हैं। ओके, तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो सिंपल सा आपको क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को ब्रेक करना है। तो इसे हम लोग ब्रेक करके क्या लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का होल क्यूब प्लस, क्योंकि हम लोग एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लिया है इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस 5 का क्यूब। अब 5 तो सिंपल नहीं है, 5 के साथ ए भी है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो अब हमारे पास क्या है, फॉर्मूला में 3 है, तो प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स मेरे पास क्या है, 3 है, वाई मेरे पास क्या है, माइनस 5 ए है। ठीक है, अब मेरे पास इस ब्रैकेट में क्या है, x प्लस वाई है, तो x क्या है मेरे पास, 3 है, प्लस y मेरे पास क्या है, माइनस 5 ए है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक स्टेप और बढ़ा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का क्यूब प्लस माइनस 5 ए का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 इंटू माइनस 5 ए इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 माइनस 5 ए। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस आपको इतना ही सा करना, उसके बाद में आपका फॉर्मूला निकल गया है, एक्स आ गया, वाई आ गया। तो आप क्या कर दोगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कर दोगे। इससे पहले आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि मेरे पास ये नंबर कैसे आया, आप इसको मल्टीप्लाई करो, सिंपल सा रफ में। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 3 इंटू 3 इंटू माइनस 5 है। ठीक है, ब्रैकेट में आपके पास क्या है, 3 माइनस 5 है। ठीक है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या आता है, 3 इंटू 3 9 आता है, 9 इंटू माइनस 5 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -45 है। ब्रैकेट में क्या है आपके पास, 3 माइनस 5 है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13। तो ये क्या आ गया, -135 ए आ गया। अब देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 20 और 2 22, ए को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर।
ठीक है, देखो आपको एज इट इज यही नंबर आ गया ना, -135a प्लस 225a स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये रफ में करके देखना है ना, बस आपको क्या करना है कि आपको इन दोनों नंबर को एक्स प्लस वाई के होल क्यू के फॉर्म में ब्रेक कर देना है, और लास्ट में आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, सिंपल सा 3-5a का होल क्यू। ये हो गया 27-125a³ -135a प्लस 225a² का फैक्टोराइज। तो इस तरह से हम लोग इस नंबर के फैक्टोराइज को फाइंड आउट करते हैं, जो फाइनली मेरे पास क्या आता है, 3-5a का होल क्यूब आता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि आपको किसी भी तरह से इन दोनों नंबर को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए मैं आपको बता दें कि क्या करना है आपको, उसका उस नंबर का फैक्टोराइजेशन निकालना है, सिंपल सा है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सॉल्यूशन में पहले राइट कर लेते हैं, जो दिया हुआ है 64a³ -27b³ -144a²b प्लस 108ab²। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखो आपको क्या करना है, 64 को फैक्टराइज करना है 27 को, तो 27 तो हम लोग फैक्टराइज कर चुके हैं कि 3 × 3 × 3 करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। हम लोग को नेक्स्ट में किसको करना है, 64 को करना है। तो 64 भी बहुत ईजी है, 64 को अगर आप देखो तो 64 जो होता है, अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 × 4 करो तो 4×4=16 होता है, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो यह आएगा आपका 64। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, या फिर जिस तरह से मैं अभी आपको इस क्वेश्चन का फैक्टराइज करके बताई थी, उस तरह से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिंपल सा हम लोग इसका पहले आइडेंटिटी दिख लेंगे, किस आइडेंटिटी पे सॉल्व होगा, तो ये होगा x प्लस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी पे, जो होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या करना है, 64 को ब्रेक करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4a³ माइनस में प्लस, क्योंकि हम लोग प्लस का फॉर्मूला यूज़ किए हैं, माइनस अंदर हो जाएगा, -3b³² प्लस 3×4a इंटू क्या हो जाएगा, -3b। ब्रैकेट में क्या है मेरे पास, x प्लस वाई है, x का वैल्यू कितना है 4a है, y का वैल्यू कितना है -3b है। ठीक है, 3b है यहाँ पे ना, b हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप और सॉल्व कर लेते, तो ये हो जाएगा 4a³ प्लस -3b³ प्लस 3×4a इंटू -3b इंटू ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब ये किस फॉर्मूले अप्लाई हो रहा है, तो सिंपल साइज का अगर फॉर्मूला आप देखो तो क्या हो जाएगा, 4a माइनस 3b का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे पास x है, ये मेरे पास y है, तो x प्लस वाई का होल क्यूब मेरे पास फॉर्मूला होता है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ये क्या हो गया, ये 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a²b प्लस 108ab² का फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अगर आप इन नंबर को मल्टीप्लाई करो, जिस तरह से मैं आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई करके दिखाई थी, इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना आएगा, फिर इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके माइनस 3b से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 108ab² आएगा। आप इसको रफ में करके देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के 3 और 4 को सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ जो है 5, जिसको हम लोग नेक्स्ट में सॉल्व करते हैं।